नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथी न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा लगातार आपके साथ बने हुए हैं, खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले जिक्र सीहोर से मिल रही बड़ी खबर का। खुले बोरवेल में मासूम बच्ची गिर पड़ी है, सूचना के बाद रेस्क्यू के लिए पहुंची है टीम। यहां पर प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद है। ग्राम मुंगावली का यह पूरा मामला, कलेक्टर एसपी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद। सृष्टि कुशवाहा नाम की मासूम जो कि बोरवेल में जा गिरी है, जिसे रेस्क्यू के लिए लगातार कोशिशें जमीनी स्तर पर की जा रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद है, रेस्क्यू के लिए तमाम टीमें यहां पर मौजूद है। ये तस्वीर आप देखिए, सृष्टि की ये तस्वीर, यही वो बच्ची जो कि बोरवेल में गिर पड़ी है। स्थानीय लोग भी यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है, जेसीबी से खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। तस्वीरें ये प्रत्यक्ष करती हैं कि तमाम कोशिशें प्रशासनिक स्तर पर यहां पर शुरू हो गई। खुले बोरवेल में मासूम बच्ची जा गिरी, सूचना के बाद फौरन रेस्क्यू की टीम यहां पर पहुंची है। इस बच्ची को निकालने के लिए मशक्कत शुरू हो चुकी है। ग्राम मुंगावली का यह पूरा मामला, कलेक्टर एसपी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। सृष्टि कुशवाहा बच्ची का नाम, बताया जा रहा है कि खेलते खेलते मासूम बोरवेल में जा गिरी। स्थानीय लोगों को जैसे ही पता चला, रेस्क्यू की टीमों को बुलवाया गया, यहां पर प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचे और अब ये देखिए युद्ध स्तर पर जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। जेसीबी के जरिए पैरेलल में गड्ढा खोदने की कोशिश भी लगातार चल रही है। जमीनी स्थिति भी आप देखिए, लगातार मशक्कत की जा रही है कि इस बच्ची को जितनी जल्दी हो सके इस बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। सूचना के बाद रेस्क्यू की टीमें मौके पर तैनात। तस्वीरें आप देखिए, इस स्थल पर कलेक्टर एसपी सभी मौजूद हैं। सहयोगी प्रदीप से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या हालात है जमीन पे? अवंतिका, रेस्क्यू टीम इस समय एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है, जो पूरी प्रण प्राण के साथ में सभी का ये एक ही लक्ष्य कि किसी भी तरह से ये जो बालिका सृष्टि कुशवाहा 2.5 साल की, इसको बचाया जाए और ऑक्सीजन भी अंदर डाली गई है ताकि बच्ची को प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे ज्यादा इसमें अच्छी बात यह है कि अभी बच्ची 20 फीट ही ऊंचाई पर है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन वाले मामले में अगर जितनी स्पीड से करेंगे उतनी जल्दी लड़की रिकवर हो सकती है। जी अवंतिका, अब साथ ही साथ ये भी बताइएगा प्रदीप कि कितने फीट तक बच्ची मौजूद है, अब कब तक निकाला जा सकेगा और साथ ही साथ किस तरह से निकालने के प्रयास जा रहे हैं, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में पता चलता है कि पैरेलल गड्ढा खोदने की कवायद शुरू हुई है। प्रदीप, देखिए मुगावली गांव सीहोर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर अभी कल ही बोरवेल खुदा हुआ था। जैसे ये बोरवेल खुदा, इसके बाद बोरवेल में कैप लगाने की प्रक्रिया चली रही थी। इस दरमियान आज जो है इस बच्ची का अचानक उसके अंदर गिरना इस बात का प्रतीक है कि अपने आप में ये बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, चूक हुई है जो बोर मालिक है। और अभी जो बोर की जो एसडीआरएफ टीम ने अंदर स्केल डाल के जो मैपिंग करी है, उसमें उनका ऐसा अंदाज लग रहा है कि लगभग अभी बालिका जो है वो केवल 20 फीट की गहराई पर ही नीचे मौजूद है। प्रदीप, बच्ची की तरफ से क्या अभी तक कोई रिएक्शन रिकॉर्ड किया गया है? क्या उसकी आवाज आ रही है वहां से? हाँ जी हाँ, बराबर ऊपर से लोग, जब एसडीआरएफ की टीम चुकी, अभी किसी को पास जाने नहीं दे रही है। इन्होंने बच्ची से बकायदा बात करी तो बच्ची के रोने की आवाज आई है, बच्ची को चुप कराया गया, बच्ची से कहा गया हम आपको निकाल रहे हैं। और जैसी मशीन से 20 फीट गहराई के अंदर खुदाई जो है युद्ध स्तर पर जा रही है इस समय। प्रदीप, सवाल ये भी कि जब ये सब हुआ तो परिवारजन क्या कर रहे थे, कहां पर मौजूद थे? साथ ही साथ अब चूंकि बच्ची की मूवमेंट भी देखी जा रही है, उसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर कोई तैयारियां अभी तक? देखिए, कलेक्टर प्रवीण सिंह मौके पर मौजूद है, एसपी वेंकट सिंह मौजूद, उनका कहना है कि चूंकि बच्ची अभी अंदर गिरी है और हम सबका एक पास प्रायोरिटी है कि किसी भी तरह से हम बच्ची को बचाना चाहते हैं, इसलिए अभी इस पूरे मामले पर उनका ध्यान सिर्फ इस पर फोकस है कि रेस्क्यू करके कैसे भी बच्ची को बाहर निकाला जाए। इसके बाद वो शॉर्ट आउट करेंगे अगर गलती किस प्रकार की, जब जो जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर था आसपास की, जब बच्ची गिरी तब भी प्रशासन इस पूरे मामले पर पूरे सीओर में कैंपेन चलाया था कि कोई खुले बोर्ड तो नहीं है, जो देगा उसको हम इनाम भी देंगे। तो कलेक्टर साहब कहना है कि पूरा मामला जो है अब पहले बच्ची पे हमारा फोकस है, रेस्क्यू के बाद ही हम अगली कार्रवाई करेंगे। प्रदीप, इस क्षेत्र को लेकर भी जानकारी आपसे चाहूंगी कि अगर पैरेलल गड्ढा खोदा जाता है तो क्या कुछ आशंकाएं निकलकर सामने आएंगी, क्या आसान होगा इस बच्ची को यहाँ से निकालना? देखिए, ये कि मुगावली जो गांव है, ये मूलतः कृषि प्रधान गांव है और यहाँ पर पूरा कृषि का कार्य चलता है, कृषक लोग यहाँ पर रहते हैं। तो मुगावली गांव के अंदर जो मट्टी है वो दुर्मुट टाइप की मट्टी है और दुर्मुट मट्टी के अंदर खुदाई अगर सही समय पर अबंदी का हो जाती है तो ये चांस बन सकता है कि बच्ची को बहुत जल्दी रिकवर कर लिया जाए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए। नजरें आप लगातार बनाए रखिएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए जमीनी स्तर पर लगातार चल रहा है, कोशिशें की जाने की सृष्टि को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके।